ये मोजे और करिश्मे क्यों होते हैं? अगर ना हो तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये मोजे का पर्पस क्या है हमारी जिंदगी में? मैं समझता हूँ कि जब मोजा जिसको हम कहते हैं, वो क्यों होता है और किस लिए होता है? क्योंकि हमारे खुदावन ने भी बड़े गुस्से से कहा था, आपको याद है, कि जब तक तुम करिश्मे ना देख लो तुम यकीन नहीं करते, तुम्हें यकीन नहीं है। क्योंकि असल में ये मकसद नहीं है कि मैं करिश्मे करता जाऊँ और तुम देखते जाओ। असल करिश्मे का मतलब है किसी और मकाम तक जो नॉर्मल है उसको समझ सको। जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है कि आप ऑर्डनरी को समझ सको, जो कुछ मामूल के मुताबिक है उसकी सही समझ आ सके। ये जो आम जिंदगी में होता रहता है, आम जिंदगी में हम जिंदगी गुजारते हैं ना, शाम को सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर अपने काम पे जाते हैं और काम करते हैं, ये जो नॉर्मल लाइफ है, अगर इसकी समझ ना आई तो हम तो सिर्फ तलाश में रहेंगे। जैसे पॉल ने कहा था, यहूदी करिश्मे ढूंढते रहते हैं और यूनानी हिकमत ढूंढते रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने सलीब की हिकमत रखना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ ये चाहा कि हम समझ जाएं कि क्यों हर वक्त तो करिश्मा और मौजा नहीं होता, ये कभी कभी होता है। लगातार तो नॉर्मल लाइफ होती है ना, जो कॉन्टिन्यूली हम जीते हैं वो नॉर्मल लाइफ है। हाँ जी, मतलब आप रोटी खाते जाते हैं, कपड़े पहनते जाते हैं, नहाते धोते जाते हैं और आपको पता है फिर काम करते हैं, काम करके वापस आते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं और अपने रोजाना जो रोजमर्रा नॉर्मल लाइफ है वो चलती रहती है। इसमें थोड़ा ब्लाइंड हो जाता है क्योंकि इस वक्त फिर वो जो है ना, इस नॉर्मल लाइफ के अंदर खुदा की मौजूदगी वो नहीं देख सकता। इसलिए हम सिर्फ सोचते हैं खुदा की मौजूदगी तभी होगी जब मौजज़ा होगा, जब मौजज़ा होगा। अरे नहीं भाई, जब मौजज़ा होगा वो तुम्हारा स्विच ऑन करने के लिए है, ताकि तुम देख सको कि वो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ के अंदर बैठा हुआ है, अंदर मौजूद है। अगर तुम नॉर्मल लाइफ को नहीं समझ सके तो फिर मौजज़े को नहीं समझ सकते। इसलिए वो जो तुम्हारी सुबह से शाम, शाम से सुबह तक नॉर्मल लाइफ है, इसके अंदर खुदा मौजूद है। वो जो चरनी में उतरा है वो तुम्हारी नॉर्मल लाइफ के अंदर उतरा है, वो तुम्हारे सुबह शाम के अंदर उतरा है, वो तुम्हारी नॉर्मल है। इसलिए हम सिर्फ मौजज़ा मौजज़ा करते रहते हैं। अरे मौजज़ा का पर्पस ये है कि तुम मेरी नॉर्मल लाइफ को समझ जाओ, तो जो जो ऑर्डिनरी लाइफ जो तुम्हारी है उसको समझ जाओ, जो मामूल के मुताबिक है उसको समझ जाओ कि मैं उसके अंदर मौजूद हूँ, मैं तेरे सुबह शाम के अंदर मौजूद हूँ, मैं तेरे सोने में भी मौजूद हूँ, मैं तेरे जागने में मौजूद हूँ, मैं तेरी रोटी में मौजूद हूँ, मैं तेरे काम में मौजूद हूँ और ख़ास तौर पर मैं तेरे ताल्लुकात के अंदर मौजूद हूँ। वो जो तुम आपस में हर रोज़ खाते पीते हो उसके अंदर मौजूद हूँ, मैं तुम्हारी ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर हूँ। ना ढूंढो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम हो तो फिर ही हम तस्लीम करेंगे कि तू है ना। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस वक्त आता है ताकि जिस वक्त तुम बिल्कुल आंखों को आदी कर लोगे और तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि खुदा है, तो फिर कोई मौजज़ा और निशानी आती है ताकि तुम पहचान सको कि देख सको कि तुम्हारी आंखें खुल जाए। क्या हो? तुम्हारी आंखें खुल जाए। मौजज़ा का पहला पर्पज आंखें खोलना है, आंखें खोलने के लिए। ये नहीं कि वो जादूगरी के जरिए या कोई तमाशे के लिए, ताकि तुम एक दफा तालियां बजा सको, बल्ले बल्ले बल्ले, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है कि इनकी आंखें खुल जाए, वो देख सके कि मैं ऑर्डिनरी लाइफ और नॉर्मल लाइफ और रोजाना जिंदगी जो है इसके अंदर मौजूद हूं और मेरी प्रेजेंस मुकम्मल तौर पर उसके अंदर मौजूद है। आई एम विद यू। ये नहीं कि मैं किसी घड़ी मौजूद होता और किसी घड़ी नहीं होता। आई एम विद यू परमानेंटली, कॉन्टिन्यूली लगातार, जैसे उसने कहा था मैं हर रोज तुम्हारे साथ हूं। इसलिए वो जो उसका साथ है, मौजज़े का पर्पस क्या है? सबसे पहले आंखें खोल। वो जिनकी आंखें बंद है वो उनकी आंखें खुल जाए, वो खुदा की मौजूदगी को देख सके, वो उसकी हजूरी को देख सके, वो उसको पहचान सके। जैसे ये नहीं होता, जैसे मिसाल के तौर पर हवा तो मौजूद है, हवा मौजूद रहती है और हम सांस भी लेते रहते हैं और हवा के अंदर जीते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पंखा लगाना पड़ता है। ये पंखा लगाना पड़ता है क्यों? वो इसलिए कि ताकि हम हवा को सही तौर पर जानदार तरीके से महसूस कर सकें। इसलिए ये पंखा सिर्फ इसलिए नहीं लगाया गया ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ पंखे से हवा लो, इसलिए कि तुम देख सको कि दरअसल जब पंखा नहीं होता तब भी हवा होती है, जब पंखा नहीं होता तब भी हवा होती है, जब वेंटिलेशन नहीं है फिर भी हवा है, हमारा सिस्टम चल रहा है हवा के साथ। इसलिए
वो मौजूद नहीं सिर्फ मौजजा के जरिए, वो मौजजे के बगैर भी मौजूद है। इसलिए आपको पता है कि हमारे खुदावन की जिंदगी में वो गलील से लेकर यहूदिया तक, लाजर के जी उठने तक, आपको पता है मौजजे होते हैं। लेकिन जब ये लाजर के जी उठने के बाद यरूशलम की तरफ रुख करते हैं, फिर ना इतने मौजजे होते हैं, ना कोई मौजजे नजर आते हैं ना लोग, क्योंकि जिंदगी का एक पार्ट वो भी होता है जिसमें मौजजे नहीं होते। जिंदगी की वो घड़ियां भी होती हैं जिसमें मौजजे नहीं होते। और मैं आपको बताऊं, मौजजा इसलिए होता है ताकि तुम इतने ईमान वाले हो जाओ, इतने मजबूत ईमान वाले हो जाओ कि जब मौजजा ना हो तो आप फिर भी उसकी भरपूरी और हजूरी को देख सको, पहचान सको। मौजजे के मोहताज ना हो जाना मौजजा सबक है। मौजजा तुम्हारे लिए एक इनलाइटनमेंट है, एक तरह से आंखें खोलना है और देख सको उस वक्त भी जब नहीं होता। वाह, बस ये है मौजजा है, जिंदगी के अंदर है। मौजजा है जिंदगी को एक्सप्लेन करने के लिए, मौजजा है जिंदगी को वाजे करने के लिए, मौजजा है जिंदगी के लिए तुम्हारी नजरें खोलने के लिए, जिंदगी के मीनिंग तुम पर वाजे करने के लिए। इसलिए मौजजा ये नहीं है कि आपको ऑर्डिनरी से बाहर निकाल ले, मौजजा इसलिए है कि आपको ऑर्डिनरी के अंदर का मान ही आपको दे दे। ऑर्डिनरी में चज नाल, ये जो मामूल की जिंदगी है इसमें चज नाल जीने का तरीका और सलीका बता दे। इसलिए मौजजे को ठीक समझना है कि मौजजा जिंदगी के खिलाफ नहीं होता, जिंदगी की गहराई को और वाजे करने के लिए होता है। इसीलिए जब भी मौजजा पढ़े, समझो कि तुम्हारी नॉर्मल लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी, जो रोजाना की जिंदगी है, इसको तुम पर वाजे करने के लिए, क्योंकि खुदा तुम्हारा ऑर्डिनरी जिंदगी के अंदर मौजूद है। उसने चरनी में आकर बताया कि मैं तुम्हारी मामूल की जिंदगी के अंदर मौजूद हूं, और यही सारी इंजील के अंदर दिखाया कि तुम्हारा खाना खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारे दुख, ये जो ऑर्डिनरी लाइफ है इसके अंदर मैं मौजूद हूं, और मैंने तुम्हारी ये जो मामूली जिंदगी है इसको गैर मामूली बना दिया आकर। और मेरी दुआ है खुदा तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होकर आम जिंदगी को भी गैर मामूली बना दे और बड़ा अहम बना दे, क्योंकि उसकी मौजूदगी बड़ा मौजजा है, उसकी मौजूदगी बड़ा मौजजा है। क्योंकि पहले दिन से लेकर आज तक ये कायनात अपने आप को मौजजे के तौर पर ही पेश कर रही है, मौजजे के तौर पर। यह आप बीज बोते हैं मौजजा हो जाता है, आप कोई फसल बोते हैं मौजजा हो जाता है। हाँ जी, मेरी दुआ ये है कि हम पहचान सके कि हमारी नौ रोजमर्रा जिंदगी में जो मौजजात होते हैं उनको देख सके। ये ना हो कि सिर्फ और सिर्फ हम जो काम डिस्प्रिन कर सकती है, पैनाडोल कर सकती है, उसी पर टिके रहे। ना, जो कुछ साइंस ने किया वो भी हम कबूल करते हैं, और जो कुछ साइंस से ऊपर है और बढ़कर है वो भी हम देख सकते हैं। इसलिए ना सिर्फ साइंस बल्कि साइंस से ऊपर, और साइंस के हम खिलाफ नहीं है, साइंस हमारी तरफ है, क्योंकि साइंस उसी दिमाग का कारोबार है जो खुदा ने हमारे दिन पहले दिन हमें देकर कहा कि मैंने तुम्हें अपनी शक्लो सूरत पर बनाया और अपनी मानिंद बनाया और तुम्हें बरकत दिया कि बढ़ो और फलो, बढ़ो और फलो, बढ़ो और फलो। और ये बढ़ोतरी और फलना फूलना जब आप देखते हो तो कहो खुदाया तेरी बरकत जारी है, खुदाया तेरी बरकत जारी है। मैं देख सकूं और मैं ऐलान कर सकूं कि तेरी बरकत जारी है, और मैं तेरे मौजजात जो मेरी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में और इस ज़मीन पर लगातार होते रहते हैं, मैं इनको देखने के, ऐ खुदा हमारी आँखें खोल दे। दुआ क्या करनी है? ऐ खुदा हमारी आँखें खोल दे, ऐ खुदा हमारी आँखें खोल दे, ताकि हम तेरी प्रेजेंस अपने अंदर, दूसरों के अंदर, अपने घरों के अंदर और रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, चुल चौंतरे पर और अपने कारोबार के अंदर भी देख सकें। सिर्फ ये नहीं कि कदी कदी ना, हर रोज और हर वक्त और हर जगह। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह की हमेशा जिंदा तारीफ और जय होती रहे, और आपकी जिंदगी में उसका जहूर होता रहे, और वो हमेशा आंखें खोलने वाला उसका मौजूदगी है वो आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।